ये आवाज क्यों जी सी? नहीं पुत्र, मेरे तो कोई आवाज नहीं सुनाई देती। पता नहीं, ऐमे लग गया जिम्मे किसी की छिकन की आवाज हो गई। नहीं पुत्र, तेरा भुलेखा होना है। चल आप ना हूं चलते हैं, तेरे पापा को लभना है ना। चल मॉम नु कीरत की फैमिली की कितनी फिक्र, पर अफसोस मॉम कदे कीरत नु समझ ही नहीं पाई। जो भी कदे कीरत का दिल पढ़ लें था वो मेरे तो वध कीरत नु प्यार करे। की सोच रही है? चल जल्दी चल चल चल। सरताज, ओ देख शम्मी जी। चल सरताज। शम्मी जी, शम्मी जी तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? तुसी फोन भी नहीं चक रहे। बेचारा सरताज थानू कदों दा लभ रहा है। डैड, हाँ तुहाडे मत्थे ते की होया? कुछ नहीं, बस उदे ही। की होया सरताज, तू मैनू क्यों लभ रहा? डैड, मनी अंकल था ना किसी पागल आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया, इसलिए मैं तुहानू फोन कर रहा सी। पर हुण ओह काफ़ी ठीक ने, मैं गया सी उन्होंने मिलन, पर गुरमन आंटी ने मैनू मिलन नहीं दिता। पुत्र, ओ पागल आदमी तेरा बाप ही, मैं ही हां जिदे करके मनी दा ये हाल आ। मनी दे एक्सीडेंट की गल सुन के इन्हां ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? शायद उस लड़ाई करके यही काफी स्ट्रेस च ने। इन्हां दा स्ट्रेस दूर करना ही पड़ेगा मैनू, कितें इन्हां दी तबीयत ना खराब हो जाए। पर इस सब च चंगी गल है कि मनी हुण ठीक है, ते उस तों भी चंगी गल है कल अपने पुत्र दी मंगणी है, ते अज अश्पी ते मेहंदी लगनी है। चलो अपना अपना मूड ठीक कर लो, आपा खुशी खुशी सरताज ते अश्पी दा व्याह करना है। मैनू हर एक दे फेस ते स्माइल चाहिदी है। कल तो बाद कीरत ते मेरा रिश्ता हमेशा लई बदल जाएगा। कल तो बाद मैं कीरत नाल नजरां किवें मिलाऊंगा? मैनू लगदा शम्मी जी नूं रेस्ट दी बहुत लोड़ है, ताही तां ओह इदां बिहेव कर रहे ने। चलो उठो, अपने से ना बहुत सारी जिम्मेवारियां ने, आपा कल सारी जिम्मेवारी निभानियां ने। बंदा कौन खड़ा ते सरताज दे कल दी बैक साइड ते की कर रहा? बंदा कल च वड़न दी कोशिश क्यों कर रहा? ए की कर रहे हो? उतर थल्ले। ए अर्शप्रीत, कल दी बैक साइड ते क्यों मिल रही है? ये सब रिकॉर्ड करना था बंदा, मैनू ना दाल च कुछ काला लग रहा। मैं लाल रंगी बाबा जी नूं अर्जेंट मिलना। नहीं, फिलहाल उन्हां नूं कोई नहीं मिल सकता, वो किसी खास मिशन लई लुके हुए ने। पर मैं लाल रंगी बाबा जी नूं अर्जेंटली कुछ देना जो कि उन्हां लई बहुत ज्यादा जरूरी है। तुसीं मैनूं दे दो, मैं उन्हां नूं आपे दे दांगी। अर्शप्रीत नूं की फड़ा रहा? जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तुसी दो दिन भी नहीं रुक सकते सी? जे कोई इन्ना इंपॉर्टेंट काम सी तां फोन कर लेंदे। ए हॉस्पिटल दी रिपोर्ट्स ने
यह लाल रंगी बाबा जी दिखाया बहुत जरूरी ने। लाल रंगी बाबा जी की किडनी खराब हो गई है, उन्होंने कुछ दिनों डायलिसिस कराने की जरूरत पै सकती है, तो हो सकता है उन्होंने बाद किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत भी पै जाए, तो इस सब से उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कोई नहीं, मैं इस सब बारे प्रभजोत आंटी को दस दाँगी, तुम फिक्र ना करो, असं लाल रंगी बाबा का इलाज वधिया तो वधिया हॉस्पिटल करा। फिलहाल प्लीज तुम जाओ तो दोबारा ना दिखो। नहीं, मेरा बाबा जी एक बार मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने ने बाबा जी? वो जिथे भी ने सेफ ने, तुम प्लीज जाओ इतों। जो किसी ने तुहाडे नाल मैनूं इत्थे देख लिया तो मैं बहुत वड्डी मुसीबत में पै जाऊंगी। दो दिन में मेरा विआह है, तुम प्लीज उदों तक वेट करो। लाल रंगी बाबा भी ना आप ते मरूगा ते मैनू भी मरवाऊगा, बस एक बार सरताज नाल मेरा विआह हो जाए फिर तो सब कुछ मेरे कंट्रोल च आ ही जाऊगा। फिर चाहे बाबा मरे या जीवे मैनू की फर्क पैंदा है। मैनू ये सब कीरत नू जल्दी तो जल्दी भेजना पौगा। चली जा, इन्ना तो वक्त मैंने कभी काम नहीं आता टाइम पे। हर्षप्रीत तू इत्थे? अंदर तेरी मेहंदी लगनी है कि तू इत्थे की कर रही है? ते फाइल ये सब की है? आंटी जी वो बाबा जी का चेला आया सी, वो फड़ा के गया, कह रहा सी कि बाबा जी की किडनी खराब है, पर तुसी फिक्र ना करो, मैं उन्हें कहता है कि दो दिन तक इत्थे ना आए। नेटवर्क टाइमिंग से कम नहीं आता। थैंक गॉड चली गई। फिर देख ला छेती। इस टाइम सारा की भेज रही है मैनू? ये बंदा कितने लाल रंग के बाबे का चेला है, पर ये इतने क्यों कर रहा है? सारा ने मैनु लाल रंगे पापे दे चेले दी वीडियो क्यों भेजी, वो भी अर्शप्रीत दे नाल? किरत तो ही ठीक हो? हाँ जी डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। पापा दी तबीयत किवें है हुण? इन्हां दी तबीयत अगे नाल बैटर है, बट एक दो दिन इन्हां नू हॉस्पिटल रखना पैना, उस तो बाद तुसी इन्हां नू घर ले जा सकदे हो। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। डॉक्टर ये थोड़े लिए। इन्ना वड्डा टिफिन तुसी मेरे लिए क्यों लेके आए हो? मैनू पता थोड़े मम्मी बीमार है, ते मैनू ये भी पता कि तुसी ते थोड़े मम्मी हॉस्पिटल का खाना खा खा के बोर हो गए होंगे, इसलिए जदों तक थोड़े मम्मी ठीक नहीं हो जाते थोड़े लिए खाना मैं भिजवा दिया करूँगी।
असी डॉक्टर बिना दिन रात की परवाह किए अपनी मरीज की सेवा करते हैं तो साडा मरीज सानू रब तक का दर्जा दे दिंदा है पर वो ये भूल जाता है कि असी भी इंसान हाँ जिन्नियां तकलीफा उन्होंने उन्होंने जिंदगी च होंदियां ने वो तो कितने वध के तकलीफा चो असी लंघते हैं पर अज जो तुसी साडे लिए कीता है इस गल ने मेरा दिल जीत लिया ना पुत्र रोना नहीं तू तो मैनू मेरी कीरत वर्गी है तेरी अखां चो हंझू चंगे नहीं लगते चल हुण ज्यादा इमोशनल नहीं होना बहुत रात हो गई है जाके अपने मम्मी नूं खाना खिला दे दुनिया की हर मायता दी क्यों होंदी है बस दो घड़ी किसी ते भी प्यार लुटा के किसी नूं भी अपना बना लैंदी है थैंक यू सो मच वीडियो दे विच अर्शप्रीत दे नाल ये लाल रंग की बाबे दा चेला खड़के की कर रहा है ते वो भी सरताज दे घर दे बाहर किरत दा कॉल हेलो हाँ किरत हेलो सारा तेनू पता तू जिस बंदे दी वीडियो भेजी है ना वो लाल रंगी बाबे दा चेला है हाँ तू एक काम कर तू ना उहदा पिछा कर तू सब पता कर कि वो किनू किनू मिलता है ते कित्थे जा रहा है ओहो पर यार मैंने तो वीडियो भेजन ले नेटवर्क नहीं समझ रहा तेनू वीडियो भेजन दे चक्कर च ना मैं नेटवर्क लभदी लभदी अग्गे आ गई ओ तो बहुत दूर चला गया होना ते मैं हुण उहदा पिछा किवें करूंगी नहीं सारा तू वापस जा तेनू लब जाएगा वो हाले ज्यादा दूर नहीं गया होना तो तेनू जिथे भी मिलता है ना मैनू उसी टाइम उहदी लोकेशन भेज मैं उत्थे पहुंच जाऊंगी अच्छा चल ठीक है आई विल ट्राई माय बेस्ट शायद लाल रंगी बाबे नू मिलन दा ये मेरा लास्ट चांस होएगा मैनू किसी भी कीमत ते इनू लभना ही पैना मैनू जल्दी जाना पेगा सारा भी लोकेशन भेज दी हूँ मैं किरत किथे जा रही है पुत्र मम्मी मैं हुणे घर जाके वापस आनी हां तुसी पापा दा ध्यान रखियो ठीक है ओके बाय पर आ कुड़िए मेहंदी वाली है मेरी लाडो दे हत्थां दे ना वधिया जी मेहंदी लगाई एकदम गूढ़ा रंग आना चाहिए हाँ मुबारक जी तेनू भी मुबारक प्रभजोत लवली तू आ गई लवली बहुत चंगा किता तू आ गई आंधी किदा नहीं मेरी अर्शप्रीत का ब्याह जो है प्रभजोत एक गल मैनू समझ नहीं आई अब मेहंदी की रसम तुसी मंगनी तो पहला क्यों कर रहे हो टाइम घट आंटी जी वैसे भी मैं सरताज दे विआह दा हर चा पूरा करना चाहनी हाँ कोई रसम भी छड़ना नहीं चाहती ते दूजा एक एक रसम उस कीरत दे दिल ते छुरियां मारेगी लवली बेब सी जागो भी कड़ांगे ना ले जागो तो बिना किवें ब्याह होगा
ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਗੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗੋ ਹੈਨਾ ਲਵਲੀ ਵੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਂਟੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕੁੜੀਏ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਬੀ ਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨ ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਬੋਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਨੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਬੋਬੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਈ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਪਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦੱਸ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਰੋਣੇ ਮੇਰੇ ਚੱਦ ਗਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਸੀ ਸਰਤਾ
आज मन्या गल करन दा सही वेला नहीं, पर तू सच्ची अर्शप्रीत नाल व्याह करवा लेगा। जे मेरा वास चलता ना, मैं कीरत नू सारी उम्र ना छड़ता, पर मेरी मजबूरी है यार। ना चाहते हुए भी मैनू अपने जिंदगी उस रस्ते से लेके जाना पै रहा जिथे सिर्फ अनेरा ही अनेरा है, जिथे मेरे ते कीरत लई सिर्फ दुख ही दुख ने। मैं ये सब नहीं करना चाहता यार, पर ना चाहते हुए भी इन्हें विवाह करना ही पड़ेगा।